extraction of copper. Copper does not occur abundantly in nature. It occurs at native and as well as combined state. हाँ, जैसे iron किया था ना, iron की extraction, तो वो abundantly मिलता हमें nature में. तो जो copper है वो abundantly जो है ये नहीं मिलता. तो ये कुछ native state में मिलता है, कुछ combined में. ठीक है, native वो होती है जिसकी क्या reactivity होती है, लो रिएक्टिविटी होती है, और कंबाइंड स्टेट की हाई रिएक्टिविटी होती है. तो ये दोनों फॉर्म में मिलता है. तो इसकी ये ओर्स है, ओर्स आप लर्न कर लेना. ठीक है, ये इनके नाम है, कॉमन नेम्स, और ये इनके फॉर्मूला है. ठीक है, तो ये कॉपर ग्लैंस Cu2S. ठीक है, ये क्या है, सल्फाइड ऑफ कॉपर. जो ओर्स है ना वो किसी फॉर्म में मिलती हमें, उसमें मिक्स हुआ होता है कुछ दूसरा, या नॉन मेटल या अलॉय की फॉर्म में भी मिल सकती है. ठीक है, या इम्प्योरिटीज भी होती हैं. तो ये सल्फाइड ऑफ कॉपर है. और इसमें क्या क्या है, कॉपर पाइराइट्स में क्या है, इसमें आयरन भी है. और क्या है, कॉपर भी है, आयरन भी है, और क्या है, सल्फाइड भी है. ठीक है, इसी तरीके से ये और भी, ये क्या है, इसकी ओर्स. और ओर्स से हम क्या कर रहे हैं, चैप्टर कौन सा कर रहे हैं, मेटलर्जी. मेटलर्जी चैप्टर का क्या मतलब है, करना क्या है, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम आयरन ओर्स. हाँ, एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ओर्स. व्हाट डू वी एक्सट्रैक्ट, मेटल्स. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. ठीक है, चाहे कोई भी मेटल हो, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जिंक हो, ये सारे आपके सिलेबस में हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर फ्रॉम क्यूप्रस ऑक्साइड. क्यूप्रस ऑक्साइड जो है ये क्या है, इसमें कैसे हमने इसको एक्सट्रैक्ट करना, सबसे पहले ये जो है ये हमें किस फॉर्म में मिला हुआ है, ये कॉपर ग्लैंस किस फॉर्म में मिला, सल्फाइड की फॉर्म में, Cu2S. तो इसका पहला क्या करेंगे हम Cu2S में, ये यहाँ से पढ़ो. Most of the ores of the coppers are sulfide ores. हाँ, ये देखो, ज्यादातर जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं कॉपर की ओर्स, वो किस फॉर्म में मिलती हैं, सल्फाइड ओर्स होती हैं कॉपर की. ठीक है, तो उसके बाद उसको क्या करना है, उसमें सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके ऑक्साइड्स में. ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है. हमने क्या किया, ऑक्सीजन उसमें डाली है, रिएक्ट करवाया. ये किसका रिएक्शन हो रहा है, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कॉपर ऑक्साइड. वेरी राइट, कॉपर ऑक्साइड प्लस सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड. ठीक है, डाई मतलब दो डाइऑक्साइड. ठीक है, SO2. तो ये हमने किसको किस में कन्वर्ट किया, कॉपर सल्फाइड को कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया. सेकेंड स्टेप देखो आप, यहाँ से पढ़ो. द ऑक्साइड कैन देन बी इजिली रिड्यूस्ड टू मेटेलिक कॉपर विद कोक. हाँ, अब हमने उसको मेटेलिक कॉपर में, हम कर ही रहे हैं, हमने उसको कॉपर ही तो हमें चाहिए, हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं. कौन सा मेटल, कॉपर. तो कॉपर की एक्सट्रैक्शन कॉपर सल्फाइड से की. पहला स्टेप था ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया और क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड. अब दूसरा स्टेप देखो, इसको अब हमने क्या करना, विद कोक, कॉपर ऑक्साइड को कोक के साथ, आई मीन टू से सी के साथ रिएक्ट कराना. व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड. हाँ, कॉपर प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, यही तो हमें चाहिए था, कॉपर. कॉपर ही तो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कॉपर सल्फाइड से. तो इट्स अ वेरी सिंपल टू स्टेप मेथड. ठीक है, तो नेक्स्ट इसी तरह से सिमिलरली वी कैन एक्सट्रैक्ट कॉपर फ्रॉम कॉपर पाइराइट एंड मैलेकाइट एंड अदर ओर्स. ठीक है बेटे,